तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। हम और आप सदा यूं ही साथ साथ चलते रहें, हमारा ये सफ़र हमेशा बना रहे, निरंतर रहे, इसी कामना के साथ शुरू करता हूं आपका अपना चहेता प्रोग्राम सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। फिल्म डाकू के एक गीत के लिए पाकिस्तान की एक सिंगर बन गई म्यूजिक डायरेक्टर श्याम घनश्याम के लिए प्रेरणा। कौन सा था ये गीत और कौन थी वो सिंगर? उसके बाद क्यों कर ली तौबा फिल्म डाक बंगला के प्रोड्यूसर ने सिमी ग्रेवाल को फ्यूचर में अपनी किसी भी फिल्म में कास्ट करने के लिए? उसके बाद हमेशा की तरह हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें 92.7 के लिसनर से बातचीत करते हैं, हम उनकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते हैं। तत्पश्चात दिल ने फिर याद किया, जहां आज याद करेंगे एक्टर राजकुमार को, देन रीमेड इन इंडिया और आखिर में एक प्रश्न। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सफर की। बात होगी कोई 1974 की। निर्देशक बासु भट्टाचार्य एक फिल्म बना रहे थे, नाम था डाकू। संगीतकार श्याम घनश्याम फिल्म के संगीत पर काम कर रहे थे। फिल्म के चेजिंग सीक्वेंस के लिए उन्हें तलाश थी एक ट्यून की, एक गाने की, मगर कुछ सूझ नहीं रहा था। एक दिन जब वो ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर गए तो यहां स्टेशन डायरेक्टर सतीश भाटिया के पास उन्हें गायिका रेशमा का आया हुआ एक टेप मिला। श्याम जी घनश्याम जी ने जब यह टेप सुना तो कंपोजिशन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और साथ ही वो रेशमा की गायकी के कायल भी हो गए। रेशमा की आवाज और वो कंपोजिशन उनके दिल में घर कर चुका था। जल्द ही उन्होंने अपने एक मित्र जो शायर थे चमन लाहौरी को बुलाया और सिचुएशन के हिसाब से उनसे एक गीत लिखने को कहा। चमन लाहौरी ने गीत लिखा और श्याम घनश्याम ने एक खूबसूरत धुन तैयार कर दी। ये गीत था कभी गम से दिल लगाया कभी अश्क के सहारे, कभी गम से दिल लगाया कभी अश्क के सहारे, कभी शब गुजारी रोके कभी गिन के चांद तारे। इसको गाया नरेंद्र चंचल ने। ये गीत पिक्चराइज्ड है कबीर बेदी पर। ये गीत सुनकर आपके जहन में रेशमा की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी, नरेंद्र चंचल को भी याद कर लेंगे। बात करूंगा 1974 में आई फिल्म डाक बंगला की। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था गिरीश रंजन ने। इस लो बजट फिल्म को गिरीश कम से कम समय में बनाना चाहते थे, इस लिहाज से उन्होंने प्रभात कुमार, इफ्तिखार सुधेंदु और नितिन सेठी जैसे कलाकारों का चयन किया। एक्ट्रेस के लिए गिरीश सिमी ग्रेवाल को साइन करना चाहते थे। एक्ट्रेस अच्छी थी, दूसरा उनके पास उन दिनों कुछ खास काम भी नहीं था। ये सोचकर कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें साइन कर लिया गया। मगर फिल्म शुरू होने के साथ ही गिरीश रंजन की मुसीबतें भी शुरू हो गईं। सिमी के साथ डेट्स की परेशानी तो नहीं रही, मगर दूसरी अड़चनें जरूर आने लगीं। पहला, सिमी का देर से शूट पर आना। दूसरा, लेट आने के बाद मेकअप रूम में तैयार होने के लिए घंटों समय लगाना। मुश्किल सिर्फ यही नहीं थी, लंच के बाद भी सिमी मेकअप रूम में सो जाया करती थी, जिससे बहुत अधिक टाइम बर्बाद हुआ करता था, जिसका असर सीधा फिल्म के बजट पर पड़ा। जैसे तैसे करके फिल्म तो पूरी हो गई, मगर गिरीश रंजन ने तौबा कर ली कि अब वो सिमी ग्रेवाल के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्कार सर, मधुसूदन भट्ट बोल रहा हूँ राजकोट से। मधुसूदन भाई नमस्कार, केम छो भाई? बस गुजराती में बोल रहा हूँ, मजा में आता बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। और क्या हाल है आपके परिवार में, कौन कौन है? मैं सर रेडियो का तो दीवाना हूँ, मैं रेडियो 55 से सुन रहा हूँ नियमित। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू। और श्रीलंका भी गया हूँ और रेडियो श्रीलंका की भी मुलाकात ली है मैंने। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ी जानकारी भी गीतों के बारे में, कलाकारों के बारे में रखता हूँ। जी जी जी।
बहुत अच्छी बात है, आप हमारे ईमेल ले लीजिए और जो भी जानकारी हो आप हमारे साथ शेयर करें, हमें आपको जो भी ड्यू क्रेडिट है वो हम देंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप तो एक्टर बन आए थे और अनाउंसर बन गए, वो क्या बात है? मैं कुछ कुछ बना नहीं हूँ, मैं बना बनाया था। नहीं नहीं, आपकी आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका जी, जो प्रेजेंटेशन है, आपकी प्रस्तुति है, काबिले तारीफ है। जी देखिए ऐसा है, रोजी रोटी किस्मत कहाँ पे किस जगह दिलवाए कोई तो कह नहीं सकता है ना, वो कह नहीं सकता। अमिताभ बच्चन साहब तो दवाइयां बेचते थे, वो इतने बड़े स्टार बन गए। मैं कलेक्टर बनना चाहता था। जी कलेक्टर एक्टर बन गए, मेरी पहली चॉइस वो नहीं थी। आपका जो काम मिस्टर इंडिया में था, हम में था, घायल में था, वो तो कभी हम बोल नहीं पाएंगे। थैंक यू मधुसूदन भाई। और क्या एक और रिक्वेस्ट है कि राजकोट आइए तो हमारे घर पर आइए। जरूर जरूर जरूर, राजकोट आना हुआ तो जरूर आऊंगा। आपको और, पसंद कोई और गाना हो तो बताइए। मेरी भी नई इच्छा है कि ऑडियंस में मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। जरूर 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 जरूर, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। कोई आपकी फरमाइश हो तो गाना सुनवा दूं आपको। मोहम्मद रफी मेरा प्रिय गायक है, मोहम्मद रफी का ऐसा गाना सुना है जो कम सुनने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा राजकुमार को। राजकुमार का जन्म बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को एक मध्यम वर्गीय कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नाम था कुलभूषण पंडित। ग्रेजुएशन करने के बाद राजकुमार बंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर लग गए। राजकुमार बंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग वालों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे किसी काम के लिए आए हुए थे। वो राजकुमार के बात करने के अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऑफर दे डाला एक्टर बनने का अपनी अगली फिल्म के लिए, शाही बाजार के लिए। राजकुमार को भी फिल्म निर्माता की बात जम गई और कुछ समय के बाद राजकुमार ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और प्रयास शुरू कर दिए अभिनेता बनने के। 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में सबसे पहले बतौर अभिनेता राजकुमार को काम करने का मौका मिला। रंगीली के बाद उन्हें जो भी छोटी मोटी भूमिका मिली उन्होंने स्वीकार कर ली। इस बीच उन्होंने अनमोल सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि, कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म चली नहीं। उनकी असली पहचान बनी 1957 में ही आई फिल्म मदर इंडिया से। किसान की छोटी सी भूमिका में थे। आगे 1959 में आई फिल्म पैगाम में उनके सामने दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार यहां भी अपनी सशक्त भूमिका के कारण दर्शकों की वाहवाही लूटने में कामयाब रहे। 1965 में बीआर चोपड़ा की फिल्म वक्त में राजकुमार के बोले संवाद, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशों के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनॉय सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच में बहुत मकबूल हुए ये डायलॉग। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। राजकुमार की शादी 60 के दशक में जेनिफर नाम की एक एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस से हुई, जिससे उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में सफर के दौरान हुई थी। शादी के बाद उनका नाम गायत्री रख दिया गया। राजकुमार की 3 संतानें हुई, 2 बेटे पुरु और पाणिनी, 1 बेटी वास्तविकता। 40 साल लंबे करियर में राजकुमार ने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा, पाकीज़ा, सौदागर जैसी सफल फिल्मों में काम करके सारी दुनिया में अपने अभिनय और स्टाइल का लोहा मनवाया। जीवन के अंतिम 2 साल बड़े कष्ट में बीते। गले में कैंसर के कारण 3 जुलाई 1996 को राजकुमार ने मुंबई स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। आज इस सेगमेंट में हमने स्वर्गीय राजकुमार को श्रद्धांजलि दी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी 1940 की एक विदेशी फिल्म की। यह फिल्म थी एक रईस विधुर मैक्सिम द विंटर की कहानी, जो मॉन्टे कार्लो में रहने वाली एक लड़की से दूसरी शादी करते हैं।
शादी के बाद मैक्सिम अपनी पत्नी को अपने आलिशान घर में लेकर आते हैं, लेकिन यहां मौजूद पुरानी मेड मिसेस डेनवर्स इस शादी से खुश नहीं है। वो हमेशा मिसेस मैक्सिम की तुलना पहली पत्नी रिबेका से करती है। एक रोज मैक्सिम की पहली पत्नी रिबेका का शव बरामद होता है। हत्या का शक मैक्सिम पर आता है, हालांकि आखिर में यह साबित होता है कि रिबेका का अफेयर जैक फेवेल से चल रहा था, और इसी को लेकर पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के दौरान एक्सीडेंट में रिबेका की जान चली जाती है। अंत में मैक्सिम को न्याय मिलता है और आखिर में मेड मिसेस डेनवर्स घर में आग लगाकर खुद को भी खत्म कर डालती है। 1964 में इसी इंग्लिश फिल्म को हिंदी में बनाया गया, नाम रखा गया कोहरा। राइटर एंड डायरेक्टर बीरेन नाग, प्रोड्यूस्ड बाय हेमंत कुमार। फिल्म में मैक्सिम डे विंटर का रोल किया विश्वजीत ने, पहली पत्नी बनी रिबेका का रोल किया एंग्लो इंडियन थेल्मा ने। हालांकि इंग्लिश फिल्म की तरह इस फिल्म में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। दूसरी पत्नी के रोल में थी वहीदा रहमान, पहली पत्नी के प्रेमी जैक का रोल किया था मदन पुरी ने, और मेड मिसेस डेनवर्स का रोल प्ले किया ललिता पवार ने। इंग्लिश फिल्म में रिबेका दुर्घटना में मरती है, वहीं कोहरा फिल्म में पहली पत्नी को ललिता पवार जहर देकर मार देती है, बाद में जिन्हें इस हत्या की सजा मिलती है। झांसी के विनोद चौरसिया ने पूछा है कि क्या स्मिता पाटिल ने किसी फिल्म में गाना भी गाया। जी हाँ, गाया था। ये गीत था, इस गीत के बोल बता रहा हूँ कि चांद से लेकर आऊंगी चंदा की रोटी, तुम सबको खिलाऊंगी चांदी की रोटी। फिल्म 1984 में आई रावण। फिल्म के डायरेक्टर थे जॉनी बख्शी। म्यूजिक बाय जगजीत और चित्रा सिंह। गीत लिखा था सुदर्शन फाकिर ने। ये सुदर्शन फाकिर वो हैं जिनकी लिखी हुई काफ़ी गज़लें जगजीत सिंह ने गाई हैं। गम बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे ऐ दोस्त गुनाहों की तरह। उम्मीद है कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। प्रार्थनाओं में याद रखें, चलता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या अहमदाबाद रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।